श्रीमान अश्विनी जी चौबे और आपके लोकप्रिय सांसद श्री जनार्दन सिंह जी सिग्रीवाल, विधायक श्री देवमणि जी द्विवेदी, विधायक श्री सुभाष जी त्रिपाठी, श्री ब्रिज मोहन सिंह जी, श्री शशिभूषण सिंह जी, अजीत सिंह जी, अजीत सिंह मुखिया, संतोष सिंह, अमर सिंह, वशिष्ठ कुमार और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों, शायद इस स्थान पर किसी सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार मैं आया हूं। इसके पहले से स्थान पर शायद मेरा आना नहीं हुआ, पहली बार आया हूं। फिर भी आप लोगों ने तालियां बजाकर बहुत ही गर्म जोशी के साथ स्वागत किया है। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी कि स्वागत और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का बहनों भाइयों, यदि आज आपके बीच में आ रहा हूं, वीआईपी विकासशील इंसाफ पार्टी श्री वीरेंद्र कुमार ओझा जी के लिए वोट मांग गया है, जिनका चुनाव चिन्ह नाव। वीरेंद्र कुमार जी ओझा से मैं पहले परिचित नहीं था, आज पहली बार इनको बोलते हुए मैंने देखा भी है और सुना भी। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं मेरे बहन भाइयों की वीरेंद्र कुमार ओझा चाहे जो कुछ भी हो, किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, लेकिन एक सुलझे हुए इंसान है, इस रूप से रहे। कुछ नेता होते हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ नेता होते हैं जब चुनाव आ जाता है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम आएंगे तो ये कर देंगे, वह कर देंगे, आसमान से तारे तोड़कर ला देंगे। फिर मुझे खुशी है कि वीरेंद्र कुमार ओझा जी ने यह सब सारी बातें नहीं कही, और मैं वीरेंद्र ओझा जी को कहना चाहूंगा कि आप कभी गलत आश्वासन मत दीजिए। चुनाव हार जाना मंजूर है, लेकिन जनता को कभी गलत आश्वासन नहीं देना चाहिए। और आगे यदि कोई पूछे तो कह दीजिएगा कि राजनाथ सिंह कहकर गए। हमारे यहां पर विधायक जो बैठे हैं उत्तर प्रदेश, बहनों भाइयों, लंबी पाली उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी खेली है, मुख्यमंत्री भी रहा, लेकिन कभी भी मैंने गलत आश्वासन नहीं किया, जो दिया है उसे पूरा किया है। आजाद भारत में, आजाद भारत में नेताओं ने देश की जनता को जितने आश्वासन दिए हैं, यदि आंशिक रूप से भी आश्वासनों को पूरा कर दिया होता तो पता नहीं 20 वर्ष पहले हमारा यह भारत दुनिया का सबसे ताकतवर भारत बन गया होता। नेताओं की इसी कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति में विश्वास का संकट पैदा हुआ है। इसी विश्वास के संकट को हमें चुनौती के रूप में स्वीकार करना है, इसलिए हमें वही बात बोलनी चाहिए जिसे हम कर सकें। और मैंने भाइयों में कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी घोषणा पत्र जारी किए, हमने जो कहा सब किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हम लोग धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है उसको समाप्त करने की बात अपने घोषणा पत्र में लिखते थे तो लोग ये कहते थे कि भाजपा वाले जब आते हैं तो धारा 370 ले आते हैं, 2500 साल से ला रहे हैं, लेकिन ये कर नहीं पाए। हम लोग कहते थे जिस दिन हमको भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा हम चुटकी बजाकर इस धारा 370 को। जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा, कर दिया। बराबर हम लोग अपने घोषणा पत्र में ये कहते थे हमें अवसर मिलेगा
हम अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर का निर्माण करेंगे। लोग